नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस श्री अरुण कुमार मिश्रा जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, मानव अधिकार आयोग के अन्य सम्मानित सदस्यगण, राज्य मानव अधिकार आयोग के सभी अध्यक्षगण, उपस्थित सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय आदरणीय जज महोदय, सदस्यगण, यूएन एजेंसी के सभी प्रतिनिधि, सिविल सोसाइटी से जुड़े साथियों, अन्य सभी महानुभाव भाई और बहनों, आप सभी को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। ये आयोजन आज एक ऐसे समय हो रहा है जब हमारा देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत के लिए मानव अधिकारों की प्रेरणा का, मानव अधिकार के मूल्यों का बहुत बड़ा स्रोत आजादी के लिए हमारा आंदोलन, हमारा इतिहास है। हमने सदियों तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में अन्याय अत्याचार का प्रतिरोध किया। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की हिंसा में झुलस रही थी, भारत ने पूरे विश्व को अधिकार और अहिंसा का मार्ग सुझाया। हमारे पूज्य बापू को देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मानव अधिकारों और मानवीय मूल्यों के प्रतीक के रूप में देखता है। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज अमृत महोत्सव के जरिए हम महात्मा गांधी के उन मूल्यों और आदर्शों को जीने का संकल्प ले रहे हैं। मुझे संतोष है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत के इन नैतिक संकल्पों को ताकत दे रहा है, अपना सहयोग कर रहा है। साथियों, भारत आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्मवत् सर्वभूतेषु के महान आदर्शों को, संस्कारों को लेकर, विचारों को लेकर चलने वाला देश है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यानी जैसा मैं हूं वैसे ही सभी मनुष्य हैं। मानव मानव में, जीव जीव में भेद नहीं है। जब हम इस विचार को स्वीकार करते हैं तो हर तरह की खाई भर जाती है। तमाम विविधताओं के बावजूद भारत के जनमानस ने इस विचार को हजारों सालों में जीवंत बनाए रखा। इसलिए सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भारत जब आजाद हुआ तो हमारे संविधान द्वारा की गई समानता और मौलिक अधिकारों की घोषणा उतनी ही सहजता से स्वीकार हुई। साथियों, आजादी के बाद भी भारत ने लगातार विश्व को समानता और मानव अधिकारों से जुड़े विषयों पर नया पर्सपेक्टिव दिया है, नया विजन दिया है। बीते दशकों में ऐसे कितने ही अवसर विश्व के सामने आए हैं जब दुनिया भ्रमित हुई है, भटकी है, लेकिन भारत मानव अधिकारों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहा है, संवेदनशील रहा है। तमाम चुनौतियों के बाद भी हमारी ये आस्था हमें आश्वस्त करती है
कि भारत मानव अधिकारों को सर्वोपरि रखते हुए एक आदर्श समाज के निर्माण का कार्य इसी तरह करता रहेगा। साथियों, आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहा है। ये एक तरह से मानव अधिकार को सुनिश्चित करने की ही मूल भावना है। अगर सरकार कोई योजना शुरू करे और उसका लाभ कुछ को मिले, कुछ को ना मिले, तो अधिकार का विषय खड़ा होगा ही। और इसलिए हम हर योजना का लाभ सभी तक पहुंचे इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। जब भेदभाव नहीं होता, जब पक्षपात नहीं होता, पारदर्शिता के साथ काम होता है, तो सामान्य मानवीय के अधिकार भी सुनिश्चित होते हैं। इस 15 अगस्त को देश से बात करते हुए मैंने इस बात पर बल दिया है कि अब हमें मूलभूत सुविधाओं को शत प्रतिशत सेचुरेशन तक लेकर जाना है। ये 100% सेचुरेशन का अभियान समाज की आखिरी पंक्ति में, जिसका अभी हमारे अरुण मिश्रा जी ने उल्लेख किया, आखिरी पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जिसे पता तक नहीं है कि ये उसका अधिकार है। वो कहीं शिकायत करने नहीं जाता, किसी आयोग में नहीं जाता। अब सरकार गरीब के घर जाकर गरीब को सुविधाओं से जोड़ रही है। साथियों, जब देश का एक बड़ा वर्ग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में ही संघर्षरत रहेगा, तो उसके पास अपने अधिकारों और अपनी आकांक्षाओं के लिए कुछ करने का ना तो समय बचेगा, ना ऊर्जा और ना ही इच्छा शक्ति। और हम सब जानते हैं, गरीब की जिंदगी में हम अगर बारीकी से देखें तो जरूरत ही उसकी जिंदगी होती है। और जरूरत की पूर्ति के लिए वो अपना जीवन का पल पल, शरीर का कण कण खपाता रहता है। और जब जरूरत पूरी ना हो, तब तक तो उसको ये अधिकार के विषय तक वो पहुंच ही नहीं पाता है। जब गरीब अपनी मूलभूत सुविधाओं, और जिसका अभी अमित भाई ने बड़े विस्तार से वर्णन किया, जैसे शौचालय, बिजली, स्वास्थ्य की चिंता, इलाज की चिंता, इन सबसे जूझ रहा हो और कोई उसके सामने जाकर उसके अधिकारों की लिस्ट गिनाने लगे, तो गरीब सबसे पहले यही पूछेगा कि क्या ये अधिकार उसकी आवश्यकताएं पूरी कर पाएंगे। कागज में दर्ज अधिकारों को गरीब तक पहुंचाने के लिए पहले उसकी आवश्यकता की पूर्ति किया जाना बहुत जरूरी है। जब आवश्यकताएं पूरी होने लगती हैं, तो गरीब अपनी ऊर्जा अधिकारों की तरफ लगा सकता है, अपने अधिकार मांग सकता है। और हम सब इस बात से भी परिचित हैं कि जब आवश्यकता पूरी होती है, अधिकारों के प्रति सतर्कता आती है, तो फिर आकांक्षाएं भी उतनी ही तेजी से बढ़ती है। ये आकांक्षाएं जितनी प्रबल होती है, उतना ही गरीब को गरीबी से बाहर निकलने की ताकत मिलती है। गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलकर वो अपने सपने पूरे करने की ओर बढ़ चलता है। इसलिए जब गरीब के घर शौचालय बनता है, उसके घर बिजली पहुंचती है, उसे गैस कनेक्शन मिलता है, तो ये सिर्फ एक योजना का उस तक पहुंचना ही नहीं होता, ये योजनाएं उसकी आवश्यकता पूरी कर रही हैं, उसे
अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर रही हैं, उसमें आकांक्षा जगा रही है। साथियों, गरीब को मिलने वाली ये सुविधाएं उसके जीवन में डिग्निटी ला रही है, उसकी गरिमा बढ़ा रही है। जो गरीब कभी शौच के लिए खुले में जाने को मजबूर था, अब गरीब को जब शौचालय मिलता है तो उसे डिग्निटी भी मिलती है। जो गरीब कभी बैंक के भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, उस गरीब का जब जनधन अकाउंट खुलता है तो उसमें हौसला आता है, उसकी डिग्निटी बढ़ती है। जो गरीब कभी डेबिट कार्ड के बारे में सोच भी नहीं पाता था, उस गरीब को जब रुपए कार्ड मिलता है, जेब में जब रुपए कार्ड होता है तो उसकी डिग्निटी बढ़ती है। जो गरीब कभी गैस कनेक्शन के लिए सिफारिशों पर आश्रित था, उसे जब घर बैठे उज्ज्वला कनेक्शन मिलता है तो उसकी डिग्निटी बढ़ती है। जिन महिलाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक नहीं मिलता था, जब सरकारी आवास योजना का घर उनके नाम पर होता है तो उन माताओं बहनों की डिग्निटी बढ़ती है। साथियों, बीते वर्षों में देश ने अलग अलग वर्गों में अलग अलग स्तर पर हो रहे इनजस्टिस को भी दूर करने का प्रयास किया है। दशकों से मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही थी। हमने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नया अधिकार दिया है। मुस्लिम महिलाओं को हज के दौरान महरम की बाध्यता से मुक्त करने का काम भी हमारी ही सरकार ने किया है। साथियों, भारत की नारी शक्ति के सामने आजादी के इतने दशकों बाद भी अनेक रुकावटें बनी हुई थी। बहुत से सेक्टर्स में उनकी एंट्री पर पाबंदी थी, महिलाओं के साथ इनजस्टिस हो रहा था। आज महिलाओं के लिए काम के अनेक सेक्टर्स को खोला गया है, वो 24 घंटे सुरक्षा के साथ काम कर सके, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भारत आज करियर वुमेन को 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव दे रहा है। साथियों, जब उस महिला को 26 सप्ताह की छुट्टी मिलती है ना, वो एक प्रकार से वो नवजात बच्चे के अधिकार की रक्षा करता है। उसका अधिकार है उसकी मां के साथ जिंदगी बिताने का, वो अधिकार उसको मिलता है। शायद अभी तक तो हमारे कानून की किताबों में सारे उल्लेख नहीं आए होंगे। साथियों, बेटियों की सुरक्षा से जुड़े भी अनेक कानूनी कदम बीते सालों में उठाए गए हैं। देश के 700 से अधिक जिलों में वन स्टॉप सेंटर्स चल रहे हैं, जहां एक ही जगह पर महिलाओं को मेडिकल सहायता, पुलिस सुरक्षा, साइको सोशल काउंसलिंग, कानूनी मदद और अस्थाई आश्रय दिया जाता है। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की जल्द से जल्द सुनवाई हो, इसके लिए देशभर में 650 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई गई है। रेप जैसे जघन्य अपराध के लिए मौत की सजा का प्रावधान भी किया गया। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इसमें संशोधन करके महिलाओं को एबॉर्शन से जुड़ी स्वतंत्रता दी गई है। सुरक्षित और कानूनी एबॉर्शन का रास्ता मिलने से महिलाओं के जीवन पर संकट भी कम हुआ है और प्रताड़ना से भी मुक्ति मिली है। बच्चों से जुड़े अपराधों पर लगाम लगाने के लिए भी कानूनों को कड़ा किया गया है, नई फास्ट ट्रैक कोर्स बनाई गई है। साथियों, हमारे दिव्यांग भाई बहनों की क्या शक्ति है, ये हमने हाल के पैरालंपिक में फिर अनुभव किया है। बीते वर्षों में दिव्यांगों को सशक्त करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं, उनको नई सुविधाओं से जोड़ा गया है। देश भर में हजारों भवनों को
सार्वजनिक बसों को, रेलवे को दिव्यांगों के लिए सुगम हो, लगभग 700 वेबसाइट्स को दिव्यांगों के अनुकूल